क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान देने में बहुत देरी हुई, और क्या मोदी सरकार ने बिहार में नीतीश लालू के सोशल इंजीनियरिंग वाले खेल को पलट दिया? ये सवाल पिछले 24 घंटे से देश की सियासत में घूमने लगे हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। हर दल अपने अपने स्तर पर सामाजिक न्याय के मसीहा को याद कर रहा है। ऐसे में ये समझना भी बेहद जरूरी है कि जननायक क्यों सबकी जरूरत बन गए। जाति आधारित गंदा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद भी जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, शोषित को, दलितों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने 2014 के बाद धरती पर उतारा है तो वो नरेंद्र मोदी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे राजनेता थे जिनके फैसले जितने क्रांतिकारी थे, सार्वजनिक जीवन में उतनी ही सादगी। बिहार में दो दो बार सीएम और डिप्टी सीएम रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर ने सादगी का दामन नहीं छोड़ा। कुछ ऐसी ही कहानियों को पीएम मोदी ने अपने शब्दों के जरिए खत का रूप दिया। कर्पूरी बाबू की सादगी का एक और लोकप्रिय किस्सा 1977 का है, जब वो बिहार के सीएम बने थे। तब केंद्र और बिहार में जनता सरकार सत्ता में थी। उस वक्त जनता पार्टी के नेता लोकनायक जेपी के जन्मदिन के लिए कई नेता पटना में इकट्ठा हुए। उसमें शामिल मुख्यमंत्री कर्पूरी बाबू का कुर्ता फटा हुआ था। ऐसे में चंद्रशेखर जी ने अपने अनूठे अंदाज में लोगों से कुछ पैसे दान करने की अपील की ताकि कर्पूरी जी नया कुर्ता खरीद सके। लेकिन कर्पूरी जी तो कर्पूरी जी थे, उन्होंने पैसा तो स्वीकार कर लिया लेकिन उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। उनके आदर्शों को अल्फाज के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को फोन किया, उन्हें शुभकामनाएं दी। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं, और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। जिस तरह बिहार में कर्पूरी ठाकुर के फैसले का असर पूरे देश में छाप छोड़ता रहा, ठीक उसी तरह जननायक को भारत रत्न देने वाले फैसले की गूंज से देश की सियासी सरगर्मी बढ़ गई। इस फैसले से कर्पूरी ठाकुर को गुरु मानने वाले नीतीश कुमार के सुर भी बदल गए। तो क्या इससे मंडल राजनीति के समीकरण भी बदलेंगे? तो मुझे खुशी है, मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं। हमको तो खुशी है, हमको तो फोन नहीं किए हैं लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं। मूक जो समाज में वैसे वर्ग जिनको आवाज कर्पूरी जी ने दिया, कर्पूरी जी सामाजिक समरसता के प्रतीक थे, उनको सम्मान दिया, यानी राम से लेके सबरी तक ये एक सम्मान, कर्पूरी जी का सम्मान समाज का सम्मान है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर जश्न का रंग और भी गहरा हो गया है। पिछड़ों और अति पिछड़ों का सियासी खेल बेहद दिलचस्प हो गया है। गैर कांग्रेसी चेहरों में से एक कर्पूरी ठाकुर ऐसे राजनेता थे जिनकी छत्र छाया में लालू यादव जैसे नेताओं का उदय हुआ। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर की शान में भारत रत्न का सितारा लगा तो लालू खेमा इसे अपनी जीत बताने लगा। जाति आधारित गंदा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद भी जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है
तो इसका ये लेकिन चुनाव के ठीक पहले दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव चुनावी भारत ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए? बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई है और इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे। कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई है। कहानी तो मुकम्मल समझ गए होंगे आप, किस तरह जननायक के इर्द गिर्द राजनीति घूमने लगी। अब ये भी समझ लीजिए कि मौजूदा सियासत को एक सूत्र में बांधने वाले छत्रप कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय पर कितनी बड़ी लकीर खींची, जिन्हें आदर्श कहा जाता है। 2024 में कर्पूरी सबकी जरूरत क्यों बन गए? 1977 में पहली बार बिहार में शराबबंदी लागू कर पूरे देश को चौंकाया। देश में पहली बार ओबीसी आरक्षण मॉडल पेश किया था। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया। इसके कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। देश के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त की थी। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर अंग्रेजी पर निर्भरता खत्म की। आर्थिक रूप से कमजोर और सवर्णों और महिलाओं के लिए आरक्षण दिया। ऐसे वक्त में जब मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की रणनीति कास्ट सेंसस को तुरुक्का इक्का मानकर आगे बढ़ रही है, नीतीश कुमार के कास्ट सेंसस सर्वे वाले फैसले को विपक्षी गेम चेंजर बता रहे हैं। इसी बिहार के लाल और सामाजिक न्याय के मसीहा को भारत रत्न से नवाजे जाने का फैसला लेकर मोदी सरकार ने इंडिया गठबंधन को चौंका दिया। टीम न्यूज़ नेशन।